सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो फर्स्टली यार थैंक यू सो मच, कल यार आप सबके विशेष आए कि जल्दी गेट वेल सून एंड ऑल, तो यार दिल से शुक्रिया। एंड यार मैं धीरे धीरे बेटर ही हो रहा हूँ। तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं नॉर्डविल लैंड इवेंट के साथ। सो कल का दिन यार काफी स्ट्रगल भरा दिन था काफी टीम्स के लिए, एंड देखना ही होगा कि अब आगे क्या होता है एंड कौन सी टीम्स आगे जाती है और कौन सी नहीं जा पाती है। ऑल्सो कल मैंने आपको बताया था टॉप 16 टीम्स के प्रिडिक्शन के बारे में, एंड आज बात करें इन्हीं टीम्स के प्लेयर्स के इंटरव्यूज की। तो फर्स्टली फ्रॉम टीम हाइड्रा डायनामाइट रिवील करते कि अंडर प्रेशर रह करके खेलने में कैसा लगता है, किस तरीके से वो ये टैकल करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है और प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर में ही काम करना अच्छा लगता है हमें और रिजल्ट्स लाना है हमें, तो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग। सेकेंडली फ्रॉम टीम फॉरएवर 420 ओपी बात करते हैं उनके फाइनल प्लान के बारे में इस लैंड में आगे जाने के लिए। फैंस वही हैं जो लास्ट वीक थे, बट अप्रोच डिफरेंट हो चुकी है। इस बार वी डोंट हैव अ चांस, लाइक लास्ट वीक वी हैड अ चांस, अगर हम एक वीक क्वालिफाई नहीं करेंगे सो नेक्स्ट वीक कर ले, बट दिस वीक इज लास्ट वीक, इफ वी डोंट गो वी गो होम। So we are gonna focus on winning and इस बार जीतने का पूरा focus रहेगा, उसी पे काम करेंगे, that's it. थर्डली TSM एयरमैन बात करते हैं सेटबैक की, जिस शेडो के जाने के बाद उनकी टीम को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लैन में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और इसी के साथ एयरमैन ये भी बताते हैं कि एक्वा और निंजा ब्लेज ये सब कैसे ज्वाइन करें TSM को। I mean the team has gone through a lot of changes, right? Like बहुत सारे changes हुए internally, externally, सबको देखने को भी मिला, इतना सब कुछ हुआ। तो ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, लाइक इतना सब कुछ के बाद तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट डजंट रियली स्टॉप। लेकिन पहले भी हुआ है हमारे साथ, लाइक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमें लाइक कुछ हुआ है, लाइक टीम का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। TSM विल ऑलवेज लाइक स्टार्ट लाइक एंड लुक टू परफॉर्म, वी विल ऑलवेज कीप इंप्रूविंग, और ये जस्ट एक सेटबैक है, वी विल ऑलवेज कम बाउंस बैक एंड वी नो दैट वी हैव दैट कैपेबिलिटी, TSM इज बिल्ट ऑन दैट। या लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ बिग नेम्स व्हेन वी लाइक फर्स्ट केम टू इंडिया, वी गॉट अ वेरी गुड टीम, but like after like that team was let go or like we basically mutually parted ways, right? So goal वही था कि हाँ मुझे scratch से ही build करना है TSM को। तो I think what I look for is like अभी तब कौन सी team अच्छा खेल रही थी, how much dedication, hard work they put in. So वही process है basically, dedication, hard work, accepting feedback, these are very important to me. So उसी के basis पे जैसा हो पाया and it was good, we basically got lucky, to be honest with you, like इतना easily नहीं होता, but we basically got a bit lucky. And now comes the biggest question, जो काफी लोग यार आज की डेट में मायावी से पूछना चाहते हैं कि GE की परफॉर्मेंस LAN इवेंट्स में खराब क्यों हो जाती है? And मायावी का रिस्पांस ऑन दिस थिंग आप देख सकते हो। ऑनलाइन गेम प्ले जो है वो ओपी लेवल पे है बिल्कुल, LAN में क्या दिक्कत हो जाती है? बस एक यही सवाल है जो अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में LAN में हो क्या रहा है। ऑनेस्टली मेरे एक्सपेक्टेशंस टीम के करंट परफॉर्मेंस से काफी ऊपर हैं। Because I know the potential, I know these young lads की कितना मेहनत करते हैं, कितना training करते हैं, and वो results land पे आने चाहिए थे, but वो age factor अभी भी बीच में आ जाता है, वो experience I think अभी के लिए और इन्हें चाहिए रहेगा, भले ही अभी नहीं, एक महीने या दो महीने में नहीं, but one day this team will definitely lift a trophy. अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम घातक के बारे में। सो फर्स्टली घातक भाई शेडो वाले मैटर पर बात करते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एंड वो यहाँ पर TSM वर्सेस गॉड लाइक जो इंटरनेशनल लेवल पर मैटर हुआ उस पर कुछ ये कहते हैं। तो वैसे कुछ ज्यादा रिएक्शन तो मैं उस पर नहीं दूंगा, एक नॉर्मल एक प्रोसीजर थी, वो प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो की, एक प्लेयर का टर्मिनेशन जो हमको देखना था, एक हमको टर्मिनेशन अच्छा लगा, हम लोगों ने लीगल हमारे टीम से पूछ कर उसको साइन कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना ही है कि जो सोशल मीडिया पे उन लोगों ने जाके किया, तो अगर नॉर्मली लीगल तरीके से पहले ही करते तो वो अच्छी चीज़ होती है, तो ठीक है। मतलब अभी वो उनका कोई एजेंडा रहेगा उसमें, या फिर इंटरनेशनली गॉड लाइक को डिफेंड करने की जो उनकी ये थी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, आई डोंट थिंक कि वो वर्क नहीं। देखो मैं तो चाहता हूँ कि और हेट पड़े, देखो मैं कुछ कर रहा हूँ इससे तो हेट आ रहा है, अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो वो हेट मिलता ही नहीं। और ऐसा ही मतलब अपना एक बोलते ना प्रकृति का नियम है, अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है उसके साथ अगर दूसरे जमा उड़े के लोग हैं तो वो खींचने का ट्राई करते हैं, तो बस वही है उनको। अभी मैं पहले मुंह से आंसर करता था, अभी काम से आंसर करता हूं। सेकंडली स्काउट के सेकंड चैनल स्काउट शॉर्ट्स में हमें न्यू वीडियो में घातक की वॉइस भी सुनने को मिली, एंड वो वाला मोमेंट एग्जैक्टली आप देख सकते हो। मैं उड़ावा सी बदलिया तनावा, लव है हमारा, चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो। हु इज योर फेवरेट प्लेयर टीम एक्स पार्स का स्काउट? चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो, कुड़ी ये पटाकी नहीं फसनी किसे तो, तेरी अखियां शराबी ऐसी वखरी जवानी तू। एंड आपको इस चीज के बारे में क्या कहना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। समावा हार्ट अटैक में करावा, तेरी गुड्डी में उड़ावा सी बदलिया तनावा, लव है हमारा, चटनी पंजाबी नहीं। भाई बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत खतरनाक वीडियो है। Who is your favorite player टीम एक्स पार्स का स्काउट? चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो, कुड़ी ये पटाकी नहीं फसनी किसे तो, तेरी अखियां शराबी ऐसी वखरी जवानी तू। जाने मने आज जाने।
ये वही आवाज थी ना जो मैं समझ रहा हूँ। Who is your favorite player in Express का स्काउट? ठीक है भाई, एडिटर तो है भाई, एडिटर तो है। बढ़िया यार, पॉजिटिव। मैं तुम लोग को बोला ना, पॉजिटिव पॉजिटिव जीवन को लेकर के चलो। काफी खतरनाक था वो जो भी था। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं हम स्नैक्स के बारे में। सो रिसेंटली स्नैक्स रिवील करते हैं कि थग और गोल्डी बाई की रियल पावर क्या है, आई मीन हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, एंड वो एक स्टोरी शेयर करते हैं जो आप सुन सकते हो। सुबह मैसेज आया था कि तुम वॉच पार्टी नहीं कर सकते हो, अब परमिशन नहीं है तो मैं स्टोरी डाल दिया कि सॉरी यार आज वॉच पार्टी नहीं है। बहुत उदास था, कसम मां कसम, सुबह से उदास था। फिर अभी 8 बज के नजर आ रहे थे क्या मैं, ऑलराइट मिलिट्री बेस के बादशाह तो इनको बोल सकते हैं, देखिए इनके ऊपर ही सीधा सर्कल आया था। अच्छे जोन 8 बज के 25 मिनट को मैसेज आता है यू कैन डू वॉच पार्टीज अगेन, और आई वाज लाइक अब जब सर्कल ऊपर इनको धकेल रहा है तो ये जाएंगे कैसे, सीधा स्टार्ट दबा, 1 सेकंड देखा भी नहीं, नेक्स्ट मैसेज क्या, सीधा स्टार्ट। काली चुरैल वाइपर को बुलाओ, परमिशन हट गई थी, फिर वापस परमिशन आ गई थी, बिकॉज़ वी हैव थग, वी हैव थग मैन, थग भाई इज नॉट अ जोक। ओह यस, हमेशा की तरह केविन स्पोर्ट्स अपने घर जानते हो ना पावर, मिलिट्री बेस पे होल्ड करके बैठे हैं, उनका हमेशा से सेटअप होता है कि थग भाई गुल्ली भाई का पावर जानते हो ना, वही पावर से वी आर बैक, वी आर बैक विद फुल पावर, वॉच पार्टी, अब मैक गैंग फाइनल्स तक कोई नहीं रोकेगा आपको। और सो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम फिक्सेस के बारे में। सो फिक्सेस रिसेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ बात करते हैं एचटी टीम के वीकनेसेस के बारे में, एंड वो क्या कुछ कहते हैं उनके एनालिसिस के बाद आप देख सकते हो। एनालिसिस करो भाई, एचटी ही कहर टीम है, के दो प्लेयर्स हैं, दो क्या, चारों के चारों ही मारते हैं भाई, वो स्क्रीप पिका सब मारते हैं, सब मारते हैं, मतलब बुरा मारते हैं, बट उनका मेन मारने वाला एक्शन है। बट हाँ एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है, मतलब हमने हमेशा अच्छी बातें करी हैं, थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस भी अगर करें तो स्टालवर्ड उतनी कंसिस्टेंट भी नहीं रहती है, समझ रहे हो, मतलब वो मारते हैं तो ऐसे मारते हैं कि क्या ही मारते हैं, अगर नहीं मारते हैं तो पुस हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। मतलब मैं जब लास्ट कास्ट किया था उनको, इनफैक्ट इवन इन द जीसी, इफ़ यू रिमेंबर जीसी में फर्स्ट डे फर्स्ट चिकन डिनर स्टालवर्ड का था, ठीक है, बट उसके बाद पूरा फॉल देखने को मिला, आई थिंक आखिरी डे पे दे पिक्ड अप द पॉइंट। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के बारे में। तो यार गॉड ऑफ वॉर गेम के जो भी फैंस हैं उनको काफी ज्यादा इंतजार है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक गेम का, एंड यार बात करें कि ऑफिशियली कब रिलीज होगा तो ऑन स्क्रीन डेट आप देख ही सकते हो, 11 सितंबर 2022 को ये गेम यार ऑफिशियली में देखने को मिल जाएगा। सो बस यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार आज तो थॉर लव एंड थंडर मूवी आ रही है, मुझे बताना यार कौन कौन देखने जा रहा है, हालांकि यार यूट्यूब पर काफी सारे स्पॉयलर्स पहले से अपलोडेड है बट मैंने एक भी वीडियो वैसी ओपन नहीं करी है बिकॉज मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए। बाय द वे आप लोग जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्या सीन है क्या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भी मैं भी चलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ।